गाने का लाइन है, तू हमार देखो अच्छा हम तो हार देखी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। और सबसे रोमांचक बात पता है, तू हमार देखो पे पवन सिंह का रिएक्शन जानते हैं कैसा होता है? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। और हम तो हार देखी पे पवन सिंह का रिएक्शन, हम तो बड़े हैवी ड्राइवर भाई। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताने की क्या जरूरत थी? वो किसको नहीं पता है ना मोदी जी? नहीं पता है, कहाँ पता है। गाना आगे बढ़ा और ये लाइन सुनने को मिला, और इसी बात पर पवन सिंह गुस्सा होकर बोले, लेकिन सोचो ये स्ट्राइक वाली बात किसके लिए हो रही है? अरे नहीं यार, हर बार यही इंसान थोड़े ही पिसेगा बे साले। स्ट्राइक मारने वाली बात इस महाशय के लिए हो रही है। अच्छा किए इस लाइनों को छोड़ दिए, नहीं तो इस लाइन को लेते तो गाना हो जाता अश्लील, और फिर क्या वीडियो बना बना के अश्लीलता का विरोधी लोग आपको कर देता गिल। भाई गाना के बारे में बात करोगे कि जाऊं मैं यहाँ से? अरे ठीक भाई, आते हैं गाना पे ही और आपको बताते हैं, इस गाना और इस गाना के अपार सफलता के बाद आपके सामने पेश है पवन सिंह का एक और नया धमाका। और असही नहीं बोल रहे हैं बाबू, इस गाने पे हमने बोला था और इस पे भी वीडियो बनाया था, और जिस दिन गाना आया था उसके अगले दिन वीडियो बनाया था। जाके रिकॉर्ड देख लेना, रिकॉर्ड देखते देखते थक जाओगे। और अपने पे विश्वास नहीं है तो खेसारी लाल यादव से पूछ लो, खेसारी भैया आप कुछ कहिएगा हमारे टैलेंट पे। ये देखा बाबू, अडिरंडी आदमी नहीं है हम। आइए सबसे पहले इस गाने के वीडियो के बारे में बात करते हैं, और इस वीडियो में मेरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये रबिया, मतलब ये जिस गाने में भी रहते हैं ना, गाना कॉमेडियन के साथ साथ सुपर डुपर हिट होता है हिट। और इस तरीके की आवाज से आप इनको तोतला समझने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, फराटेदार बोलते हैं ये अपने भाई साहब। दोस्तों इस गाने के वीडियो में एक कमाल का चीज हमको और लगा, इसमें रील्स के कुछ क्रिएटर को भी फीचर्स किया गया है, जो वाकई बहुत अच्छा चीज है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। इससे नए लड़कों को प्रोत्साहन मिलेगा, नहीं तो दूसरी तरफ तो बहुत सारे लोग जो है वो अपने बेटी को ही मौका देते हैं, या फिर उन लोगों को मौका देते हैं जो उनको देती है बे साले। समय, पैरवी का ताकत, और जो भी आप समझ रहे हैं वो। अरे लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। कुल मिलाकर भैया अगर वीडियो के बारे में बात करें तो वीडियो जो है वो है ओपी, मतलब ये सारी चीजों को देख के वीडियो में बड़ा सुकून मिलता है, मतलब मजा ही आ जाता है। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। और सोने पे सुहागा इस गाने का लिरिक्स, तू हमार देखा का देखी का देखी। मतलब एक छोटा सा पार्ट 40 सेकंड का आया, और वो कहां कहां, मतलब इतना बुरा बुरा जगह जाके ट्रेंड किया है ना कि आपको क्या ही बताएं। और हम पवन भैया से ये सवाल पूछना चाहते हैं, भोजपुरी में और भी लोग हैं, जीने दोगे उन लोगों को, नहीं जीने दोगे? अगर उन लोगों को कुछ हुआ ना, जवाब दे होना होगा पवन सिंह को, उन लोग का धंधा मान चौपट करके रख दिए आप। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बात करते हैं अब सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और क्या कमाल का सिनेमेटोग्राफी किया गया है इस गाने में, मतलब एक छोटे से हॉल में शूट किया गया है, और इतना तगड़ा गाना है ना कि आपको, मतलब हम जैसे बैकग्राउंड डांसर पवन सिंह का ये कमाल का हमेशा से हिट होने वाला डांस, और कोरस में नाचने वाले लोग, और रवि पंडित का झकास फनी सा एक्टिंग, मतलब एकदम बैलेंस बना देता है इस गाने को। अच्छा सब कुछ हो गया, पवन सिंह के इस गाने पे नंबर भी हो जाए, और पवन सिंह के इस गाने को नंबर दिया जाता है 10 में से 10। का मतलब है करना।